आज भगवान ने समझाया है दुर्योधन, अरे भैया कम से कम पांच गांव तो दे दो, किसको, पांडवों को, और पांच गांव नहीं दे सकते तो पांच कुटिया ही दे दो, कुछ तो दे दो पांडवों को, ये बड़े संतुष्ट हैं, कुछ तो दे दो। दुर्योधन ने कहा चलो पांच ग्राम की बात है तो दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। शकुनी मामा ने कहा देखो 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 देखो, सुनो 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 दुर्योधन, ये कन्हैया है छलिया है, छलिया, ये ठाकुर जी बड़ा छलिया है, ये पांच ग्राम के रूप में पूरा भारत देश मांग रहा है, कौन ठाकुर जी, तो इसलिए हे दुर्योधन, कन्हैया को दुर्योधन कहता है कि अरे प्यारे ऐसा है कि पांच ग्राम तो मुझे पता है तुम कितने बड़े छलिया हो, पांच ग्राम के रूप में मुझसे पूरा भारत देश मांग रहे हो, तो आज बड़ा क्रोधित होके आज वह दुर्योधन कहता है कृष्ण इन पांडवों को, इन गरीबों को, इन निर्धन को तो मैं युद्ध के बिना एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, ये पांच ग्राम पांच कुटिया तो भैया दूर की बात है। आज दुर्योधन को क्रोध आया कि मुझे छलने आया है कि नहीं आया, इसलिए आज दुर्योधन कहता है कि अरे सैनिकों कृष्ण को, द्वारका नाथ को, ग्वाले को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। भगवान कहते हैं अच्छा मुझसे चलाकी करोगे। जैसे ही सैनिक भगवान कृष्ण के ऊपर धावा बोलते हैं, उसी बीच भगवान कृष्ण ने अपना महाविराट रूप दिखलाया, जिससे जितने भी सैनिक थे इधर उधर भाग गए। और यहाँ से भगवान कृष्ण आज विदुरानी जी के घर पे आए। दुर्योधन के 56 भोग त्याग दीजिए, मुझे नहीं खाना। भगवान ने कहा दो जगह भोजन होता है, एक जगह जब आपको बड़ी ही भूख लग रही हो तब भोजन करो, और दूसरी जगह जब सामने वाले में बड़ा भाव हो खिलाने का। हाँ अगर आपका पेट भी भरा है ना और सामने वाले में बड़ा ही भाव है आपको पवाने का, तो एक रोटी दाल तो खा लेनी चाहिए, परंतु सामने वाले में भाव ही ना हो और आपको भूख भी ना हो तो ऐसे स्थान पे खाने का क्या फायदा भैया, ऐसे जगह पे खाने का क्या फायदा। तो इसलिए आज भगवान कृष्ण ने 56 भोग त्याग दिए, विद्वानी जी के घर आए और कहते हैं अरे मैया गेट खोलो, द्वार खोलो, देखो मैं कृष्ण आया हूँ। वो स्नान कर रही थी विदुरानी जी, अपनी उसी स्नान की अवस्था में ये आप द्वार खोलती हैं और कृष्ण को देखती हैं, तो महाराज ये तो बड़े ही सुंदर हैं, कन्हैया तो बड़े ही मलूक हैं। और ठाकुर जी को जब देखा तो देखती रही विदुरानी जी। अब विदुरानी जी ने आप देखो स्नान की अवस्था में आई थी, ठाकुर जी ने अपना पटका लिया पीताम्बर और उड़ा दिया। अब क्या हुआ कि विदुरानी जी ने उल्टा पटला रख दिया, किसके लिए, कन्हैया के लिए उल्टा पटला रख दिया, ठाकुर जी उस पे बैठ गए। अब ये भी ऐसा ही है, ठाकुर जी भी ऐसा ही है, अगर आपके लिए कोई उल्टा पटला रखेगा बैठने के लिए तो क्या बैठोगे, बैठोगे क्या, नहीं बैठोगे। पर कन्हैया भाव देखते हैं, ठाकुर जी के लिए उल्टा पटला रखा तो उस पे बैठ गए। खाने को क्या लाई है, केले लाई है, खवा कह रही है छिलके, अरे क्या, और ये खा, ये खाता क्या है, ठाकुर जी क्या खा रहा है, कन्हैया क्या खा रहे हैं, छिलके ही खा रहे हैं महाराज।